कांग्रेस द्वारा भाजपा पर गुटबाजी के आरोपों को भाजपा विधायक विश्वास सारंग ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने तक सीमित रहना चाहिए, उन्हें अपनी सरकार और अपनी पार्टी की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदर्शन पहले से ही इस तरह के थे कि हर जगह कोई न कोई नेता मौजूद रहेगा। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने तक सीमित रहे, अपनी सरकार और अपनी पार्टी के बारे में विचार करे। वो पार्टी जो 29 में से 28 सीटें हार गई, वो हम पर इल्जाम लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक रूपता के साथ, एक मन के साथ, एक हाथ में नरेंद्र मोदी जी का विकास का एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे हाथ में कांग्रेस की सरकार की नाकामी को लेकर जनता के बीच जा रहा है। हमारे प्रदर्शन पहले से ही इस तरह के थे कि हर जगह कोई ना कोई प्रमुख नेता रहेगा। कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इस बात की फिक्र करे कि पूरा प्रदेश में जो हाहाकार उन्होंने मचाया उसके लिए वो कुछ कर सकें। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, रोजगार की समस्या है, किसान का आप कर्ज माफ नहीं कर पाए, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा, अत्याचार अनाचार की सरकार के खिलाफ पूरा प्रदेश का जनमानस खड़ा हुआ है। वो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई गुटबाजी है, ना भारतीय जनता पार्टी में मतभेद है, ना मनभेद है। लोकसभा के चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ, एक रूपता के साथ चुनाव लड़े, इसीलिए मोदी लहर के कारण हम 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में जीते हैं। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने गरीबान में झांक कर देके अपने घर की फिक्र करे। उसकी नींव भी कमजोर है और उसकी दीवारें और पिलर भी गिरने वाले। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।